बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लाहौर प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मरले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार करदा घर जो कि फॉर सेल है। घर की लोकेशन है सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम ए ब्लॉक। घर की डिमेंशन है 35x65। घर कैश के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा घर का मुकम्मल तौर पर विजिट किया जाएगा। इसकी सराउंडिंग आपको दिखाई जा रही है। 40 फुट का कारपेट रोड है, मेन बुलेवार्ड की बिल्कुल बैक के ऊपर है ये घर। और इसी के साथ घर में आपको 5 बेडरूम मिलेंगे जिसके साथ अटैच बाथ होंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जो कि LDA से अप्रूव है। मुकम्मल तौर पर आपको यहां पे तमाम सहूलियत मिलती हैं बिजली पानी गैस के साथ। और इसी के साथ घर का फ्रंट एलिवेशन और ये इसका कार रैंप आप देख रहे हैं। कार रैंप पे टाइल वर्क किया गया है। दूसरी तरफ आपको लॉन एरिया डिज़ाइन मिलता है। घर के अंदर की तरफ चलेंगे तो मेन डोर आप इसका देख सकते हैं। जैसे ही हम घर के अंदर चलते हैं तो इसका हमें मिलता है कारपोच एरिया। कारपोच एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टाइल वर्क मिलता है फ्लोर के ऊपर। और यहाँ पे आप इजीली 3 गाड़ियाँ बड़ी खड़ी कर सकते हैं। नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं। और इसी के साथ सामने आपको मोज़ेक का काम मिलता है या हयू या क्यूम और आर्टिफिशियल घास और मार्बल का इस्तेमाल मिलता है। और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और यहाँ से बैक की 5 फुट की स्ट्रीट जो कि LDA रूल्स के मुताबिक छोड़ी जाती है। यहाँ पे आपको पाउडर रूम डिज़ाइन मिलेगा और ये इसका पाउडर रूम है जिसमें शावर बेसन, ऊपर इसका मिरर और यहाँ पे इंडियन कमोड इंस्टॉल आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसी की तरह हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ तो यहाँ पे आपको इस घर का मुकम्मल तौर पर विजिट करवाया जाएगा। इसकी प्राइस भी इसी वीडियो के दरमियान मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा। ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 डोर मिलते हैं, एक ड्राइंग रूम के लिए और एक लॉबी के लिए जो कि कनेक्ट करेगी आपको फर्स्ट फ्लोर से और ग्राउंड फ्लोर से। ये इसका मेन डोर है लॉबी का जो कि सॉलिड डोर है। और जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल होते हैं ये लॉबी में हम आ चुके हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर को हमें कनेक्ट करेगी। नीचे आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल मिलता है। और ये मेन डोर जो कि हमें लेके जाएगा इसके ग्राउंड फ्लोर के अंदर। और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये स्टेयर्स जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 बेडरूम मिलेंगे, TV लॉन्च, ड्राइंग रूम और एक किचन। जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो ये हम आ चुके हैं इसके TV लॉन्च एरिया में। सामने आपको मीडिया वॉल मिलती है। इसी के साथ दीवार के ऊपर बहुत ही खूबसूरत वॉल का काम किया गया है। नीचे टाइल वर्क देख सकते हैं। साइड की आपको बहुत ही खूबसूरत अल्लाह लिखा मिलता है यहाँ पे मिरर के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पे ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका जो ड्राइंग रूम है यहाँ पर सेपरेट किया गया है डोर का इस्तेमाल करते हुए। ये ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं जिसमें आपको फ़ैन इंस्टॉल मिलते हैं। और ये इसका मीडिया वॉल आप देख सकते हैं। यहाँ पे CCTV कैमरे जो यहाँ पे इंस्टॉल मिलेंगे आपको घर के अंदर। और ये डोर जो कि सेपरेट किया गया है ड्राइंग रूम को, ड्राइंग रूम में आपको लिए चलता हूँ। ये इसका ड्राइंग रूम है। नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर के अंदर इसकी टाइल का काम किया गया है। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और इसी तरह दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वॉल का काम किया गया है। और यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलती है बाहर से। और यहाँ से अंदर से आपको इस डोर का व्यू करवाता हूँ। और जैसे ही हम चलते हैं इसके किचन की तरफ, 2 बेडरूम के साथ यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक किचन मिलता है। बड़ा किचन है ये। और नीचे किचन की टाइल्स देख सकते हैं, इसकी कबर्स आप देख सकते हैं। और किचन हुड और बर्नर यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलता है। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन, साइड की 5 फुट की स्ट्रीट में जाने के लिए आपको यहाँ पे डोर मिलता है। और ये इसका बर्नर और ऊपर इसका किचन हुड। कोरियन का इस्तेमाल किया गया है इसके फ्लश के ऊपर। और यहाँ से हम चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के तरफ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के सामने आपको वेंटिलेशन की विंडो मिलती है। इसी के साथ यहाँ पे ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। फ़ैन यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलता है।
और नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं और पीछे बेड वॉल का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे इसका कबर्ड्स मिलती हैं, इस रूम की कबर्ड्स, टू डोर कबर्ड्स का यहाँ पे, और इसके साथ इसका अटैच बाथ, बाथ में आपको वेंटी मिलती है और इसी के साथ इंडियन कमोड और ऊपर टच मिरर का इस्तेमाल मिलता है, शावर एरिया, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ से हम चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जो कि LDC से अप्रूव है, यहाँ पर आपको तमाम यूटिलिटीज़ मिलती हैं बिजली पानी गैस के साथ। और ये हम आ चुके हैं इसके मास्टर बेडरूम के अंदर और पीछे बेड वॉल आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है सेफ्टी ग्रिल के साथ, थ्री डोर यहाँ पे रूम कवर्स मिलती हैं और इसी के साथ ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, फैन और यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलता है। और इसी के साथ ये इसका अटैच बाथ, बाथ में आपको सामने वेंटी मिलती है और ऊपर टच मिरर का इस्तेमाल मिलता है, शावर एरिया डिज़ाइन किया गया है, साथ में आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो और यहाँ पे कमोड इंस्टॉल किया गया है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही खूबसूरत कलर्स के अंदर की गई हैं। और जैसे ही हम इसका ग्राउंड फ्लोर का जो विज़िट है हमने मुकम्मल किया, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसकी प्राइस मैं इस वीडियो के दरमियान आपके साथ शेयर करूँगा। और ये इसकी सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं जिसपे बहुत ही खूबसूरत कलर में मार्बल का इस्तेमाल किया गया, सामने वॉल और वेंटिलेशन के लिए विंडो इंस्टॉल की गई है। और हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे आपको इसकी लॉबी के सीलिंग डिज़ाइन दिखाया और इसी के साथ फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ सेकेंड फ्लोर की तरफ जा रही हैं। और ये इसका टेरेस, यहाँ पर टेरेस डिज़ाइन किया गया है, बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है इसकी बाउंड्री के ऊपर, 40 फुट का कारपेट रोड यहाँ पे मिलता है आपको। इसी के साथ बिल्कुल ही साथ आपको इसका मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और कमर्शियल मार्केट बिल्कुल ही करीब इस घर के आपको मिलती है। और ये इसका किचन, किचन में आप देख सकते हैं ओपन किचन यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पर कबर्ड्स, बर्नर, किचन हुड और वेंटिलेशन के लिए विंडो और बैक डोर, लॉबी के लिए और नीचे टाइल वर्क आप देख सकते हैं इसका। और इसी के साथ सामने आपको मीडिया वॉल मिलती है और वॉल का काम मिलकर दीवारों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आपको टोटली 3 बेडरूम मिलेंगे जिसमें आपको अटैच बाथ, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं लिविंग एरिया का बहुत ही खूबसूरत किया गया है, इसका मीडिया वॉल आप देख सकते हैं। और इसी के साथ 2 बेडरूम, किचन और दूसरी तरफ आप देखेंगे इसका सेकेंड बेडरूम, ये क्लोज करके आपको दिखाया किचन, किचन आप देख सकते हैं इसकी। और इसके काउंटर पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, किचन हुड और बर्नर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम चलें इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है जिसमें आप नीचे टाइल वर्क देख सकते हैं, पीछे बेड वॉल आप देख सकते हैं और इसी के साथ ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसकी फोर डोर कबर्ड्स मिलती हैं और साथ में अटैच बाथ में आपको वेंटी सामने मिलती है, ऊपर टच मिरर और टाइल वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, वेंटिलेशन के लिए विंडो और यहाँ पे आपको इसका कमोड इंस्टॉल मिलता है, शावर एरिया और ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन एग्जॉस्ट फैन के साथ। और यहाँ से हम चलेंगे इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ। अगर हम इस घर की प्राइस की बात करें तो 2,85,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है, 2,85,00,000 इस घर की डिमांड है जिसमें नेगोशिएबल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में यूज़ में 10 मरला, 5 मरला घर मौजूद हैं, ब्रांड न्यू घर भी हमारे पास मौजूद हैं, हर जो आपकी रेंज है उसके मुताबिक आपको घर ले कर यहाँ पर दिया जाएगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम 37B कमर्शल के अंदर है। और जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है सेंट्रल पार्क के मुतलक प्लॉट, घर की किसी भी कैटेगरी में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, विज़िट के लिए आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ मुनासिब प्राइस में लेके दी जाएगी।
अगर इसकी प्राइस जो मैंने आपको बताई 2,85,00,000 रुपए इसमें नगोशिएबल है, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेट पे ये घर लेके दिया जाएगा। हमारे इन्वेस्टर का घर है और यहाँ पे हम इंशाल्लाह आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। इसका बेडरूम आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 3-door कबर्ड्स मिलती हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो और बहुत ही खूबसूरत वॉल का काम किया गया है दीवार के ऊपर, और इसका अपर सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। इसी के साथ इसका अटैच बाथ में आपको बहुत ही खूबसूरत इसकी वेंटी मिलती है, ऊपर टच मिरर आपको यहाँ पे मिलता है, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, शावर, और यहाँ पे इसका इंडियन कमोड इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ से हम चलेंगे इसके ममटी के ऊपर, जहाँ पे आपको पोर्टर रूम मिलेगा और इसी के साथ इसका अटैच बाथ वहाँ पर आपको मिलेगा। इसकी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम जा रहे हैं ऊपर छत की तरफ, छत के ऊपर छत से व्यू आपको करवाऊंगा, और सामने आपको इसका बेडरूम डिज़ाइन मिलता है, साथ में अटैच बाथ आपको मिलता है जिसमें बेडरूम आप देख सकते हैं इसका, और यहाँ पे अटैच बाथ में आपको इंडियन कमोड और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आपको मिलता है। बाहर का व्यू आपको टेरेस पर लिए चलता हूँ, ये इसका टेरेस है, बाहर का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ए ब्लॉक है सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम का, बिल्कुल करीब आपको मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, एलजीएस स्कूल, मस्जिद यहाँ पे आपको बिल्कुल करीब मिलती है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं सेंट्रल पार्क में किसी भी सेल परचेज के हवाले से, अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह अच्छे प्राइस में आपकी चीज़ सेल की जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।